तीसरा राउंड यानी क्वार्टर फाइनल में फाइट करने के लिए करीब 40,000 दर्शक पहुंच गए एवं 40,000 ऑफ स्पेक्टर्स आर रीच इन दिस फील्ड ऑफ चितिन बिरला ग्राउंड। आज फाइनल दिन है, आज ही फाइनल है वो पुरुष खाली पुरुष कल महिला वर्ग खेले वो खाली दिनांक 7 तारीख आज 6 तारीख पुरुष वर्ग फाइनल कल ग्रुप ए रे फाइनल पहुंची सामना भी कल ग्रुप ए रे खेल है दिला हांगरा गुटो हाट गबड़िया तेपासाई को पराजित कर फाइनल पहुंची गया कल ग्रुप ए रे इना ग्रुप बी रे मैच खेले थी पुड़िया रे चितर बिना पुड़िया रे ओकोने दर्शक आउ चेयर उद्घाटन कर तारस में आके चेयर तो खिलाड़ी के लगे सुनसिन बिना एंड तो खिलाड़ी के लगे रो भागे तक जे जे आउ के आपर दूर तो मिलते आपो लगे रे इरे जगह व्यवस्था में ना चेयर व्यवस्था में आनी विटन उनो जो चावा के ना टीम है दबदबपुर बनाव ओकर को रेडियम कर जाते हैं यानी मैं तो रेडियम कलर जस्ट जो कि नमा मुझे पता उंडोगा एन में जस्ट का नाम ये ना कसरा पटेल जस्ट सुसिन के एन पता रहो कि जस्ट सुसिन का टीम तो भाई ना सीएफसी अंधारी और अपन टीम में पुडी रखनी है थर्ड साइड रे ससन और हेदन और राकीर यानी गा रखा ना एन टीम तो भाई ना एनबीसी त्रेचक वाले के बीचों बीच से एक जबरदस्त मैच में कमेंटर थी कार्ड और मेरे साथ मेरे कॉकोमेंटर आलोक भी और एक जबरदस्त मैच यहाँ पर चलता हुआ और देखते कौन सी टीम है किस प्रकार से खेलेंगे। एक तरफ होस्टल से काफी सारे खिलाड़ी बिलोंग करते हैं क्योंकि अंधारी की अगर बात की जाए तो काफी सारे होस्टल के खिलाड़ी यहाँ पर एसटी होस्टल चाहे मसा के खिलाड़ी मौजूद हैं तो हर वक्त वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके पास काफी मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी उनके पास वो खड़ी कर खेलेंगे ऐसे लगेगा। एक तरफ मुकेश एक चर्चित मिडफील्ड जिनका नाम हर क्षेत्र में वेस्ट बंगाल उड़ीसा हो या झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने वालों में से वो है महेश को और उनके साथ की वाहन पर ये टीम एनबीसी धामपुर की और खेल जाता हुआ सला इस वक्त टीम एक तरह में आया ये दो खिलाड़ी चक्कर देने के बाद ये मौका बन जाएगा और सुंदर प्लेसमेंट के स्कोर आएगा एक सुंदर सोने पे स्वागत इतनी अच्छी मौका बना रहा था टीम है वो टीम है सीएससी अंधारी भाई कैमरा कर रहे हैं भाई थोड़ा सा रखने के बाद धीरे धीरे से आगे नहीं कोशिश करता जैसे बन दो यहाँ पर मौका बनता है डिफेंस के अंदर डिफ्लेक्ट होता हुआ जैसे वो सात गिरते समय गिरते दरमियान यहाँ पर प्ले ऑन का इशारा जो तो अपने ही पक्ष में गिर इसीलिए प्ले ऑन का इशारा मिडिल रेफरी के द्वारा और अभी भी गेंद मिडफील्ड की खिलाड़ी और ये काफी बड़ी गलती टीम के लिए इसको काफी बड़ा गलती यहाँ पर सीएफसी अंधारी के मिडफील्ड अकेले कुछ करने की कोशिश से यही टीम को खमेजना भुगतना पड़ता हुआ एक स्पोर्ट टीम यहाँ पर ले चुकी है वो टीम है तम दोस्तों हेलो बागोस बड़ा बेहतरीन का बागोस से को अब दिया पुसे इतना जुड़ी से पहले नाम पाए थे पढ़ाता हूँ जो और जिस प्रकार से टीम है कि बात करने के बाद एक तो